नमस्कार, मध्यान खबर को स्वागत करुछि मु स्वागतिका। संपूर्ण खबर शुणिबा पूर्वरु प्रथमे सुन्तु शुणिने बाजिर मुख्य खबर। जरपड़ारे मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना, 4 मृत, 8 आहत, 2 गुरुतरंकु कटक स्थानांतर। उमरकोटरे आम्बुलेन्स दुर्घटनाग्रस्त, प्रस्तुति ओ आशाकर्मी गुरुतर, ड्राइवर सामान्य आहत। आजि बसिबो बीजेडी संसदीय दल बैठक, संसदर शीत अधिवेशन पई प्रस्तुत हेबो रणनीति। नवरंगपुर पूर्त विभाग डाकबंगला निकटे अवसरप्राप्त एएसआई मृतदेह उद्धार, आत्महत्या करिथिबा संदेह। एवं राम मंदिर पई दिल्ली में विशाल धर्मसभा, आज 5 लाख लोक सामिल हेबार रहिछि संभावना। अनुगुल जिला जरपड़ा थाना अंतर्गत कतरा निकटे एक मर्मन्तुत दुर्घटना होइछि। दुर्घटनारे 4 जनकर मृत्यु होइतबा बेले 10 जन आहत होइछन्ती। समस्तंकु उद्धार कराजाई स्थानीय मेडिकालले भर्ती कराजाइछि। मात्र 2 जनक अवस्था संकटापन्न हेबारु सेमानंकु कटक स्थानांतर कराजाइछि। मृतक माने हेले धरणीधर प्रधान, अरुण कुमार साहू, विनय साहू ओ शिवराम साहू। बरपाड़ार किछि लोक एक सवारी गाड़ी विंगर्रे कोरापुटरु पिकनिक सारी फेरुथिले। राति प्राय गोटा बेले 55 नंबर जातीय राजपथ निकटे एक ट्रक सहित धक्का होइथिला। घटनास्थल ही 3 जनकर मृत्यु होता, जनक मेडिकल नेवा रास्तार मृत्यु होता। से हीपरि गुरुतर भाव आहत रवींद्र साहू, ड्राइवर सिलू को कटक एससीबी मेडिकल को स्थानांतर करा। अन्य आहत मैंने महेश्वर साहू, मनोज मिश्र, गौतम साहू, आदिबंधु साहू, गौरव साहू, विशेश्वर साहू, विजय साहू और प्रसन्न प्रधान। दुर्घटना संपर्क में सूचना पाई पुलिस तदंत आरंभ कर। नवरंगपुर जिला झरीगाँ ब्लक में प्रस्थिति को मेडिकल नेबा बाटर एक आंबुलांस दुर्घटनाग्रस्त होइछि। एथिरे आंबुलांस रे थिबा प्रस्तुति समेत ड्राइवर और आशाकर्मी गुरुतर होइछन्ती। 3 जन को उद्धार कराजाई उमरकोट मेडिकल ले भर्ती कराजाइछि। मात्र स्वास्थ्यावस्था गुरुतर हेबारु प्रस्तुति और आशाकर्मी को नवरंगपुर जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर कराजाइछि। झरीगाँ ब्लक चचा ग्रामर जणे प्रस्तुति को गतकाली रातिरे आशाकर्मी 108 आंबुलांस रे डाक्तरखाना नै जाउथिले। एही समय रे गबागुड़ा निकट एक बुलाणी रे गाड़ीटी भारसाम्य हराई कलभट उपरे चढ़ी जाइथिला, फले प्रसूति ड्राइवर आशाकर्मी आहत होइथिले। परवर्ती खबर। आसंता 11 तारिखरु संसदर शीत अधिवेशन आरंभ हेबाकु जाउछि। सेथिपाई बीजेडी दलर संसदीय दल बैठक बसिबार कार्यक्रम रहिछि। नवीन निवास रे आजि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षता रे बैठक बसिबो। संसदरे दलर रणनीति कौन रहिबो एवं क्यों प्रसंग उठाइबो बीजेडी से नै सविशेष आलोचना कराजिबो बोली सूचना मिलिछि। तेबे संसद और राज्य विधानसभा रे महिलांक पई 33% आसन संरक्षण मामला उपरे दल गुरुत्व देबार बेस संभावना रहिछि। सेहिपरि महानदी, पोलाभरम, स्वतंत्र राज्य पाहिया मान्यता एवं एसीएसटी छात्रछात्रीक वृत्ति प्रसंग मध्य उठाइबा नै आलोचना होइपारे। नवरंगपुर सहरें जड़े अवसरप्राप्त पुलिस अधिकारी झुलंता मृतदेह उद्धार करा। अवसरप्राप्त एएसआई प्रेमचंद बाग प्रेमचंद पूर्त विभाग डाकबंगला निकटे बेकरे रसी लगे आत्महत्या करिथिबा अभियोग होइछि। से सेनापति साहिरे रहुथिले, तेबे से आत्महत्या करिछंती ना तांकु हत्या करा जायछि जणा पड़िनथिबा बेले पुलिस मृतदेह को जबत करी तदंत आरंभ करिछि। शेष खबर। अयोध्या राम मंदिर निर्माण लागि विधेयक उपस्थापन करने दाबी नहीं विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज विशाल धर्मसभा आयोजन करा जायछि। नुआ दिल्लीर रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पाखापाखि 5 लाख लोकंक समागम हेबो बोली आकलन करा जाउछि। अतिथि मानंक पई 50,000 चौकीर व्यवस्था करा जायछि। पड़िया रे 10टी बड़ बड़ स्क्रीन एवं बाहर 17टी स्क्रीन लगा जायछि। एहा व्यतीत राजघाट छक, आईटीओ एवं रंजित सिंह फ्लाईओवर पर्यंत स्क्रीन एंड साउंड सिस्टम रो व्यवस्था करा जायछि। मेरठ अंचल प्राय 2.5 लाख लोक, हरियाणा रो 5टी जिलार 90,000, मथुरा और दिल्ली 2 लाख लेखाए लोक रामलीला पड़िया को पहुंचार आशा करा जाउछि। मंच उपरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर सहकार्यवाहक भैयाजी जोशी, साध्वी श्रंतभरा एवं भीएचपी रो अंतर्जातीय अध्यक्ष अवसरप्राप्त जस्टिस विष्णु सदाशिव कोपचे समेत 31 जन साधु रहिबे। सभा पाई दिल्ली पुलिस आलर्ट होइछि। 25 रु 30 कंपनी अर्धसामरिक सुरक्षा बलंकु नियोजित करा जायछि।
ଏବଂ 4 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଡିସିପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଜରପଡ଼ାରେ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, 4 ମୃତ 8 ଆହତ 2 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଉମରକୋଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ପ୍ରସୂତି ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ଗୁରୁତର, ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ। ଆଜି ବସିବ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ, ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଣନୀତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକବଙ୍ଗଳା ନିକଟରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏଏସ୍ଆଇ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶାଳ ଧର୍ମସଭା, ଆଜି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।